आप सब कुशल तो हैं। शास्त्री जी। जी आपके लड़के को मेडिकल कॉलेज में सीट मिल गई। राजन बाबू आप नेकी करके दरिया में डाल देते हैं, सीट भी मिल गई, लड़का MBBS भी हो गया, अब तो उसने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। अच्छा, इतनी जल्दी डॉक्टर बन गया। कहिए शंकर जी, आपके बच्चे ने इंटर पास कर लिया? जी हाँ, BA में दाखिल हो रहा है। अच्छा, लेकिन लेकिन क्या फीस की कमी है? खुलकर बोलिए ना राजन बाबू, जब दाता भिखारी की जरूरत जानता है तो भिखारी जुबान क्यों खोले। ठीक है, आप बच्चे को कल दफ्तर में भेज दीजिए, साल भर की फीस ले जाए। फैक्ट्री के ही माचिस इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, बॉस कबूतर मार का माचिस से अच्छी माचिस दुनिया में आज तक नहीं बनी। नमस्कार जनाब, कबूतर तो शांति का दूध माना जाता है। शुक्रिया अल्लाह का कि हमारे मालिक की माचिस का ब्रांड भी कबूतर है। और मालिक, कबूतर खुद थोड़ा दाना खाता है लेकिन हम कितनों के बाल बच्चों का पेट पालता है, ये सब आपकी दया है मालिक। ये कबूतर हमारे खानदान की शान है। जब हमारे बाप दादा ने ये कबूतर ब्रांड माचिस फैक्ट्री खोली थी, उस वक्त हमारा खानदान एक मामूली खानदान था। इस कबूतर ब्रांड ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। ठीक है, मगर बॉस आज आपने कोई जोक या लतीफा नहीं सुनाया। पहले तो आप दफ्तर में दाखिल होते ही सारे स्टाफ को हंसाया करते थे। ये हम भूल ही गए थे। सुना एक लतीफा, एक आदमी एक बड़े मरियल से खुजली वाले कुत्ते के गले में सोने की जंजीर डालकर उसे सड़क पर घुमा रहा था। एक राहगीर वहां से गुजरा, उसने ये देखकर पूछा, जनाब आप इस गधे को कहां ले जा रहे हैं? तो कुत्ते वाले आदमी ने कहा, आंखें नहीं है क्या दिखाई नहीं देता, ये घड़ा नहीं कुत्ता है। उसने जवाब दिया, जनाब मैं आपसे नहीं कुत्ते से पूछ रहा। मालिक आपके धर्म में हंसना पाप है क्या? क्यों बस? मैंने लतीफा सुनाया, आप हंसे नहीं। बस जब मैं 4 बरस का था तो मेरे पिताजी ने मुझे ये लतीफा सुनाया था। खिसा पिटा सुना सुनाया लतीफा सुनकर हंसी कैसे आ सकती है? ऐसे हमारा लतीफा पुराना है। What's your name?
चंदर सीमीन मैं रूम आफ्टर हाफ नाउ हेलो क्या कहा शेयर्स का भाव गिर रहा है हाँ बॉस एक काम करो कुछ और शेयर्स खरीद लो बॉस लोग बेच रहे हैं और आप खरीद रहे हैं मैं अपनी दौलत से खेल रहा हूं पराई से नहीं खरीद लो सेक्रेटरी यस बॉस प्लीज कम एंड सी मी कमिंग बॉस वो चेक्स तैयार कर दिए वो धर्म करम के खाते के चेक्स ये देखिए 2000 रुपया अंधों के रिलीफ एसोसिएशन के लिए 10000 रुपया गुंगे और बहरों के लिए 5000 रुपया हिंदू अनाथालय के लिए और 2000 रुपया अंजुमन इस्लाम यतीम खाने के लिए गुड 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 यू डेफिनेटली नो योर जॉब बॉस बस आपने मुझे बुलाया था आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं आपको यह मुलाजमत करते हुए कितना अर्सा हुआ है जी 6 महीने अच्छी प्रतिमा आज से हम मिस्टर चंदर को अपनी फैक्ट्री का वर्क्स मैनेजर बना रहे हैं लेकिन बॉस इस फैक्ट्री में इनसे बहुत सीनियर आदमी मौजूद है उनके साथ नाइंसाफी ना होगी कौन किस ओहदे के काबिल है हम अच्छी तरह जानते हैं अरे रामचंद बालू सब इधर आना आया मालिक देखो आज से मिस्टर चंदर इस फैक्ट्री के वर्क्स मैनेजर आप सबको इनकी हिदायत के मुताबिक काम करना होगा समझे हाँ, हाँ बॉस बॉस फैक्ट्री तो हमारी जान है और आप हमारे मालिक आपका हर हुक्म हमारे सर आंखों पर करिए आप मेरा ख्याल है बॉस आपने ये दावत मुझे अपने दोबारा मेयर चुने जाने की खुशी में दी है नहीं चंदर ये बात नहीं ये दावत मैंने इसलिए दी क्योंकि आई लाइक थैंक यू बॉस चंदर खाने का शर्माने से कोई समझ नहीं होता मैं तो पेट भर के खा रहा हूँ शायद तुम्हें छुरी काटने की आदत नहीं वैसे घर में तो मैं हाथ से ही खाता हूँ दरअसल हिंदुस्तानी खाना चीज ही ऐसी है उंगलियों का रस जब तक मुंह में न जाए लुत्फ नहीं आता चंदर रस खाने में होता है उंगलियों में नहीं क्यों प्रतिमा पसंद अपनी अपनी ख्याल अपना अपना चल और थोड़ी देर हॉल में बैठते हैं चंदर फल शौक से खाते हो कि नहीं फल फूल तो कुदरत की देन है लेकिन फूल सूंघे जाते हैं और फल खाए जाते हैं खाइए जी नहीं पेट में जगह नहीं है और जितना खाना बॉस ने खिलाया है उतना तो मैं 2 वक्त में खाता हूँ अच्छा अब मैं चलती हूँ नमस्ते आइए श्री दंतराम जी बैठिए क्या बात है राजन बाबू आज तो लक्ष्मी भवन का रंग ही बदला हुआ है खाना खाएंगे या फल का शौक करेंगे फल जानवरों का खुराक है फूड फॉर एनिमल्स क्यों मिस्टर राजन जानवरों की बात जानवर ही समझ सकते हैं इंसान भी एक किस्म का जानवर होता है लेकिन दो टांगों वाला
यू नो राजन आज अपने शहर में डॉग शो हो रहा है, यानी कुत्तों की नुमाइश। मैंने आपके लिए भी एक टिकट खरीदा है, चलेंगे? आप भी उसमें हिस्सा ले रहे हैं? What? मेरा मतलब है मैं तो नहीं आ सकूंगा, आप मेरे कुत्ते को ले जाइए। गोली मार दूंगी। क्या मैं एक कुत्ते को कंपनी दूंगी? नहीं नहीं, मेरा कुत्ता आपको कंपनी देगा। राजन बाबू, आप भी तो बात बात में चांदनी का दिल तोड़ देते हैं, जरा ये भी तो सोचिए कि ये किस प्यार से आपके पास आती है। प्यार से आती तो है, लेकिन प्यार से जाती नहीं है। क्यों जाऊं? ये मेरा घर है और तुम मेरी दुल्हन हो। बेटी ऐसा मजाक नहीं करते। राजन बाबू, आपकी तारीफ। ये मिस्टर चंदर हैं, मेरी फैक्ट्री के वर्क्स मैनेजर, और ये है सेठ दलपत राम जी, मुर्गी ब्रांड मैच फैक्ट्री के मालिक। बड़ी खुशी हुई आपकी, मुझे भी। लीजिए। राजन बाबू, कॉफी पी के मुझे शांता की याद आ जाती है। जिस दिन से शांता दूसरी दुनिया में चली गई, लक्ष्मी भवन का कुछ रंग ही फीका पड़ गया है। घर की रौनक औरत के दम से ही होती है। फिर कभी ना कभी इस घर की किस्मत जागेगी, किसी भाग्यवान लड़की का पांव एक दिन इस घर में जरूर पड़ेगा। राजन बाबू, आप कहना क्या चाहते हैं? जो कुछ कह रहा हूँ साफ साफ तो कह रहा हूँ। कौन जाने, चांदनी एक दिन इस घर की रौनक बने। मुझे किसी चांदनी की जरूरत नहीं, मैं अंधेरों से ही निभा कर लूंगा। सेठ जी, आप जब भी आते हैं यही किस्सा छेड़ बैठते हैं, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। अब बेशक यहाँ आना जाना बंद कर दीजिए। Oh, Daddy, he's totally mad. What does he think of himself? देखो देवी, जब किसी शरीफ आदमी के घर में आते हैं तो उसका नाम इज्जत से लेते हैं। AU 1870 का ओल्ड मॉडल, क्या मैं तुझे देवी लगती हूँ, पत्थर की मूर्त लगती हूँ? You know, मेरा जन्म एयर कंडीशन हॉस्पिटल में हुआ था, बिल्कुल ठंडे ठंडे। And you know, मेरी तालीम कॉन्वेंट में हुई। And do you know, जब मैं कॉलेज गई तो सारे लड़कों को मैंने उंगलियों पे नचाया। I am the symbol of modern youth. Come on, Daddy, let's get out. दीनू बाबा, ये क्या तूफान था? चंदर बाबू, कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी होते हैं कि अपना काम निकालने के लिए दूसरों के दिल में सुइयां चुभोते हैं, और कुछ लोग अपने राजन बाबू जैसे होते हैं जो पुरानी यादों को सीने से लगाकर तन्हाइयों और उदासियों से प्यार करके अपनी हंसी के पीछे अपने आंसुओं को छुपाकर पिछले जन्म के संबंधों का आदर करते हैं। बंधन, जन्म जन्म के बंधन। उठिए, उठिए ना, उठिए। चाय, चाय। यानी इस वक्त ठीक 6:30 बजे हैं। गुड इवनिंग। अरे ये क्या, इतने सारे फल छोड़कर ये कच्चा आम क्यों खा रही हूँ? जी, मेरा जी मतला रहा था। अच्छा, क्या? रियली? ये मुझे भी खाना होगा क्या? मिस्टर राजन। नर्स शांता कैसी है? सॉरी मिस्टर राजन, हम सिर्फ बच्ची को बचा सके, बच्ची की माँ को नहीं। Thank you.
नहीं। गजरा बोला कि दिल से सबने सब कुछ बोल दिया।
जाए सर, जरा घड़ी देखो। आज 5 मिनट लेट हो गए। 5 मिनट का जुर्माना किया जाएगा। ये तस्वीर कहाँ से खरीदी तुमने? खरीदी नहीं, मैंने खुद पेंट की है बॉस। देखो ये बॉस लव से मैं तंग आ चुका हूँ। ये लव ऑफिस में अच्छा लगता है, घर में नहीं। ये तो कुछ मुझसे मिलती जुलती है। शुरू तो किसी और ख्याल से की थी, लेकिन पता नहीं। एकदम बेवकूफ लड़की हो तुम। इसीलिए तो आपने मुझे अपनी सेक्रेटरी बना रखा है। अच्छा वक्त जाया मत करो, मेरा एक एक मिनट 1000 का है। वक्त तो आपका होता है, लेकिन उससे कमाई हुई दौलत दुनिया की होती है। नमस्कार नमस्कार। चलो देर हो रही है। चलिए मेंबर्स, पेरिस में दुनिया की तमाम माचिस फैक्ट्रियों की एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसका दावतनामा हमें भी आया है। मैं सोच रहा हूँ इस बार हम किसी ऐसे आदमी को भेजें जो दयानतदारी से हमारी माचिस फैक्ट्री का नुमाइंदा साबित हो। ये मीटिंग आज मैंने इसलिए बुलाई है। पंडित जी, क्या ये बोझ आप अपने कंधों पर उठा सकेंगे? आपका हुक्म हो तो क्यों नहीं। हुक्म का सवाल नहीं है पंडित जी, आप अपनी काबिलियत से अच्छी तरह वाकिफ हैं, लेकिन बाहर के मुल्कों का रहन सहन, रख रखाव, मेल जोल, लिबास, जबान, ये सब बातें बहुत जरूरी होती हैं। अगर आपके ख्याल में मैं पुराने विचारों का आदमी हूं तो बॉस आप किसी और शख्स को तजवीज कर दीजिए। मुझसे जूनियर मिस्टर रमाशंकर हैं। मिस्टर रमाशंकर, हम जानते हैं सर, हम क्या सभी जानते हैं, आप हमारे वफादार मुलाजम हैं, बड़ी नेक नियति से अपना काम संभालते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इस काम के लिए किसी नौजवान आदमी को भेजा जाए। आजकल शो का जमाना है। आप लोगों के ख्याल में चंदर कैसा रहेगा? बॉस आपका इंतखाब बिल्कुल सही है, इस काम के लिए चंदर से बेहतर आदमी और कोई नहीं हो सकता। यस बॉस, चंदर हम सब लोगों में से खूबसूरत है, नौजवान है और इसे बातचीत करने का ढंग भी बहुत अच्छा आता है। बॉस आपकी नजर हमेशा हीरे पर पड़ती है। थैंक यू वेरी मच। आप जानते हैं आपके मशवरे के बगैर मैं कोई कदम नहीं उठाता। अब आप सब जा सकते हैं सिवाय चंदर के। चंदर, बहुत से लोगों के हक तलफी करके ये मौका हम तुम्हें दे रहे हैं, क्योंकि हमें पूरा यकीन है तुम बाहर के मुल्कों में हमारी फैक्ट्री का नाम जरूर रोशन करके आओगे। चलो बॉस, मैं आपका एहसान मानूं, लेकिन मेरी कुछ ऐसी मजबूरियां हैं कि मैं शहर छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। डोंट टॉक रबिश, ऐसे मौके बार बार हाथ नहीं आते। मैं समझता हूँ बॉस, लेकिन मुझे अफसोस के साथ इनकार करना पड़ रहा है। चंदर, आज तक हमारे सामने किसी ने किसी बात पर कभी इनकार नहीं किया। हो सकता है आपके सामने किसी ने कभी इनकार न किया, लेकिन आज मुझे इनकार करना पड़ रहा है। मुझे गलत मत समझिए बॉस। सही समझने का हमें दिमाग नहीं, देख नहीं सकते। हमें अच्छे बुरे की पहचान नहीं, ये मतलब है ना तुम्हारा? नहीं बॉस, मेरा मतलब यू कैन गो, और कुछ कहने की जरूरत नहीं। रानी ही सही, लेकिन देखो छोटे छोटे बच्चे ऐसी खतरनाक जगह पे नहीं खेलते। हेलो मिस्टर, एक बात पूछूं? पूछो। ऐसी खतरनाक जगह पर बच्चे नहीं खेलते तो फिर कौन सी खतरनाक जगह पर खेलते हैं? बड़ी बातूनी बच्चे हो। क्या
क्या करूं? भगवान ने इतनी बड़ी लंबी जुबान जो दे रखी है। बातूनी भी हो और प्यारी भी, तो इसमें मेरा क्या कसूर? मुझे भगवान ने प्यारी बनाया है। हाँ वो भी ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपनी आया के साथ आई हो या अकेली? मिस्टर, छोटे बच्चे कभी घर से बाहर अकेले नहीं आते। अच्छा। आया वाला तो हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन हमारे पापा हैं, वो हमारे साथ हर रोज आते हैं। और तुम्हारी मम्मी कहाँ है? पापा कहा करते हैं, वो चांद पर चली गई है। अच्छा तुम्हारे पापा कहाँ है? वो देखो वहाँ दूर बैठे हैं। बेटा नाश्ता कर लिया? हाँ। अंडा सारा का सारा खा लिया? सारा तो नहीं खाया पापा, अंडे की सफेदी भी खा ली और जर्दी भी, लेकिन छिलका नहीं खाया। तू नहीं गई थी? अरे अरे पापा, कल जब मैं वहाँ खेल रही थी तब मुझे अंकल मिले थे, वो भी मुझे बातू नहीं कह रहे थे। अच्छा चंदर, आप और मेरे करीब खाने पर? पापा यही है वो अंकल। चंदर तुम जरूरत से ज्यादा शरीफ हो, लेकिन आज के जमाने में शराफत के दरख्त पर फल नहीं लगते। मैं साफ साफ बता दिया होता मुन्नी की देखभाल तुम्हारी मजबूरी थी, खामा खा मुझे पछताने का और शर्माने का मौका दिया। देखो मुन्नी, हम तुम्हारे पप्पा को हवाई जहाज से पेरिस भेज रहे हैं। अंकल पेरिस कहाँ है? बहुत दूर समुन्द्र के उस पार, जहाँ गोरे गोरे लोग रहते हैं। जब तुम्हारे पप्पा पेरिस से लौटेंगे ना, तो तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लाएंगे। ये बात है अंकल, तो फिर मेरे पापा को जरूर पेरिस भेज दो। जब तुम्हारे पापा पेरिस चले जाएंगे, फिर तुम यहाँ किसके साथ रहोगे? अरे मैं भी बुद्धू, ये बात तो मैंने सोची नहीं। अच्छा ये बताओ आप कौन है? बेटा जिस फैक्ट्री में मैं काम करता हूँ ना, ये उसके मालिक हैं। तो फिर मैं इनके घर में रह जाऊंगी, वहाँ इनके बच्चे होंगे, उनसे खेलूंगी, आंटी से खेलूंगी। अरे बच्चे और आंटी तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। ठीक है बोलो चंदर, अब तो इनकार नहीं करोगे? अब इनकार की गुंजाइश ही कहाँ है, मैं जाऊंगा। पापा तुम हवाई जहाज में यूं जाओगे। ये चला हवाई जहाज, ये चला, ये चला, ये चला, ये चला, ये देखा अच्छा है ना? गंदा है। गंदा सर पे छोड़ो उसको। हाँ इसको देख, मोटर कार, मोटर कार, ये भागी। रज्जू मेरा ख्याल है मुन्नी बिटिया को ये खिलौने उलाने पसंद नहीं है। खिलौने पसंद नहीं है तो फिर और क्या तुम्हें? ये देखो ये कितनी सुंदर अंगूठी है, इसे खेलोगी ना? ये रज्जू, ये अंगूठी उंगली से क्यों निकाली? ये तो लक्ष्मी भवन की उन्नति का निशान है। बड़े मालिक इस अंगूठी को कभी उंगली से नहीं निकालते थे रज्जू। चले मैम साहब उठिए, आपको खिलौना पसंद नहीं, समझ में नहीं आता आपको खुश कैसे करें। अच्छा वो नहीं। अंकल मुझे ये गुड़िया चाहिए। मुन्ने दीनू बाबा, दीनू बाबा। क्या बात है रज्जू? देखो बाबा, इसको भी वही गुड़िया पसंद आई है जो मुन्ने को पसंद थी। आज मुझे ऐसा लगता है बाबा, जैसे मेरी मुन्नी भगवान के घर से वापस आ गई है। अंकल मेरा नाम मुन्नी नहीं है, मैं तो रानी हूँ। रानी क्या हर्ज है अगर मैं तुम्हें मुन्नी कहकर बुलाऊं? बेटे मुझे मुन्नी कहने दो, तुम्हें जो चाहिए मंगवा दूंगा। अच्छा अंकल, अगर आपका दिल खुश होता तो मुझे मुन्नी कह लिया करो। बहुत अच्छी बेटी है। दिनू बाबा आज ऑफिस जाते वक्त मुझे याद दिला दीजिएगा,
हम अपनी मुन्नी के लिए जापान से एक म्यूजिकल डॉल मंगवाएंगे। वो क्या होती है अंकल? बेटे वो एक बहुत खूबसूरत गुड़िया होती है। अच्छा? जो गाती भी है। अच्छा? हाँ, लेकिन बेटे जापान से गुड़िया आने में दिन बहुत लग जाएंगे। मैं गाऊं, मैं खुजाऊं, मैं गाऊं, मैं खुजाऊं। चांदनी बेटी। ये डैडी। ये क्या हो रहा है? नौकर से अपनी पीठ खुजवा रही हूँ डैडी। धुत तेरे के, धुत। नौकर को घर में खाना पकाने के लिए रखा या तुम्हारी पीठ खुजाने के लिए? देखो बेटी, जवान लड़कियाँ नौकरों से ऐसा काम नहीं करवाती। डैडी, कभी आपके पीठ पे खुजली हो तो आपको पता चले कि खुजली क्या होती है। अरे जोर से। डैडी बहुत खारिश हो रही है। खारिश तो मेरी किस्मत में पड़ गई है, जो भगवान ने ऐसी पागल औलाद दे दी मुझे। पागल 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 पागल। हेलो। हेलो, इज इट राजन स्पीकिंग? यस स्पीकिंग, कौन बोल रहा है? जालिम, मेरी आवाज नहीं पहचानता। मैं तेरी चांदनी बोल रही हूँ। योर मूनलाइट। मूनलाइट का दिन को क्या काम है? गोली मार दूंगी। ये मजाल उस छोकरे की कि टेलीफोन धड़ाम से रख दिया। अगर कहीं अकेले में मिल गया तो ऐसा धोबी पटका मारूंगी कि चारों सोने चित्त करेगा। टेलीफोन ने झटका और मुझे पटका। चल चल मेरे हाथी और मेरे साथी। अरे मुन्ने, इतनी जल्दी आ गई स्कूल से? हाँ, आ गई। अच्छा बताओ, आज स्कूल में क्या क्या सीखा? आज पोएट्री सीखी अंकल। अच्छा, कौन सी पोएम? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अरे वाह वाह, देखा बाबा अपनी मुन्ने कितनी इंटेलिजेंट है। अच्छा बेटे, कल जब तुम स्कूल जाओगे ना तो अपनी टीचर से। अंकल आप भी बुद्धू हैं। भाई मैं बुद्धू क्यों? कल तो छुट्टी है। छुट्टी? काहे की छुट्टी? क्रिसमस हॉलिडे। अरे कल क्रिसमस है? हेलो, हाँ मैं राजन बोल रहा हूँ। यस बॉस। आज कामकाज के भरमार में मैं भूल ही गया कि कल क्रिसमस है। कॉन्वेंट के बच्चों के लिए खिलौने मिठाइयाँ वगैरह सब भेजनी है। मैंने पहले ही इंतजाम कर दिया है। अच्छा तूने कर लिया है, गुड गुड, ओके। अच्छा बाबा, इसने मुझे याद दिला दिया, हर साल क्रिसमस के दिन मुझे सांता क्लॉस का भी तो इंतजाम करना पड़ता है। अंकल ये सांता क्लॉस क्या होता है? अरे सांता क्लॉस एक बहुत अच्छा बुड्ढा बाबा होता है, गोल मटोल मोटा सा। वो बच्चों से बहुत प्यार करता है और हर साल क्रिसमस की रात को आसमान से उतरकर बच्चों से मिलने आता है। अंकल वो बुड्ढा बाबा आसमान से नीचे उतरकर कैसे आता है? गिरने पड़ता? नहीं बेटे, उसके पास एक रथ है, उस रथ में बैठकर वो नीचे आता है और फिर छोटे छोटे बच्चे जो कुछ भी मांगते हैं वो उन्हें दे देता है। अंकल वो सांता क्लॉस हमारे घर में भी आएगा? हाँ आएगा, क्यों नहीं आएगा? कब आएगा? क्रिसमस की रात को 12 बजे। मैं उस सांता क्लॉस से जो कुछ मांगूंगी वो मुझे दे देगा? हाँ जरूर देगा, क्यों नहीं देगा। आता है सांता क्लॉस, आता है
एक हिरन की बग्गी पर गीत सुनाता आता है आता है आता है सांता क्लॉज आता है। एक हिरन की बग्गी पर गीत सुनाता आता है। मैरी क्रिसमस मैरी क्रिसमस के सभी खिलौने लेकर आया हूँ दुनिया भर के सभी खिलौने लेकर आया हूँ नीले पीले और सलोने लेकर आया हूँ मोटी दुल्हन रबर की गुड़िया बुढ़ा बाबा उबड़ी बुढ़िया टुक 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 नाचे बंदर टुक 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 नाचे बंदर आलू बीन बजाता है आता है सांता क्लॉज आता है। एक हिरन की बग्गी पर गीत सुनाता आता है आता है आता है सांता क्लॉज आता है। नन्ने मुन्ने बच्चे जिस दम सुबह सवेरे जागेंगे नन्ने मुन्ने बच्चे जिस दम सुबह सवेरे जागेंगे और तकिए के नीचे से लेके खिलौने भागेंगे अपना अपना पैकेट खोले झूम झूम के सबसे बोले क्या मेरी क्रिसमस मेरी क्रिसमस ला 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 जाता है जाता है सांता क्लॉज आता है अगले साल जल्दी जल्दी वापस आता है। हे जाता है सांता क्लॉज आता है अगले साल जल्दी जल्दी वापस आता है। को नजर नहीं आते ठीक है सांता क्लॉज बाबा वो तुम्हारा रथ कहाँ है वो हम चंदा मामा के पास छोड़ के आ गए हैं। सांता क्लॉज तुम मेरे लिए क्या क्या लाए हो बहुत कुछ लाया हूँ ये देखो इसके अंदर खिलौने हैं क्रिसमस केक है बबल गम है टॉफी है ये सब चीजें तो मेरे अंकल भी मुझे हर रोज ला कर देते हैं। तो फिर मेरी प्यारी गुड़िया तुम्हें और क्या चाहिए अगर मैं कुछ मांगू तो दोगे नहीं सच्ची प्रॉमिस प्रॉमिस तो कहूँ कहो मम्मी चाहिए हाँ मम्मी ही तो मांग रही हूँ मम्मी आप सोच कर रहे हो तुमने मुझसे सच्ची प्रॉमिस किया है मेरे अंकल ने भी कहा था कि मैं जो कुछ सांता क्लॉज से मांगूंगी वो मुझे दे देगा अब मेरी मम्मी लाकर दो ना बेटी
मेरे पापा भी तो कहा करते थे जो मेरी मम्मी है वो चांद पे चली गई है, तो जाओ चंदा मम्मा के पास, अपने रथ में बिठा कर मेरी मम्मी को लेकर आओ। देखो बेटी, तुम्हारी मम्मी इस वक्त चांद में सोई हुई है, उसे जगाना अच्छा नहीं। जब सुबह होगी तुम्हारी मम्मी को जगाकर अपने रथ में बिठा कर ले आऊंगा। ठीक है, लेकिन जरूर लाना। अगर तुम सुबह मेरी मम्मी को नहीं लाए तो मैं कहूंगी तुम गंदे बूढ़े बाबा हो। नहीं बेटे, जब सुबह तुम्हारी आंख खुलेगी तुम्हारी मम्मी तुम्हारे ही कमरे में होगी। अब सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। फर्स्ट क्लास चाय बना। नहीं, मैं खुद लेकर आती हूँ। देखिए, मैंने आपका हुक्म तो मान लिया, लेकिन किसी की बच्ची की माँ बनकर रहना। चंद दिनों की तो बात है, चंद्र जो पहले से वापस आ जाएगा बच्ची का ध्यान अपने बाप की तरफ लग जाएगा। लेकिन तब तक दफ्तर कौन संभालेगा? ओफो, दफ्तर की फिक्र मत करो, मैं संभालूंगा। आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, गुजारा होना मुश्किल है। हमें 3 महीने का बोनस चाहिए। हाँ, हमें 3 महीने का बोनस चाहिए। नहीं मिलेगा, और अगले महीने से तुम्हारी तनख्वाह भी बंद कर दूंगा और सबकी छुट्टी कर दूंगा। डैडी, ये बाहर लोग क्या भजन गा रहे हैं? मैं भी भजन गाऊं, दलपत राम। दलपत राम तेरा बाप है। दलपत राम मुर्दा बाप। दलपत राम तो है ही पागल, साथ मुझे भी पागल कर देगी। बाहर भी मुर्दाबाद और अंदर भी मुर्दाबाद, लगता है मैं किसी कब्रिस्तान में आ गया हूँ। गोली मार दूंगी मुझको या मजदूरों को। तुझको तोला राम। तब तो मेरा बोला राम। रख लो रख लो रख लो। तोला राम। हाँ। तू कभी सवा शेर राम नहीं बन सकता। अरे मेरा बाप। हाँ। कंजूस मक्खी चूस है। अरे मैं अभी जाकर मजदूरों को 5 साल का बोनस अनाउंस करती हूँ। अरे वाह, फिर कबूतर मार कर राजन की छुट्टी कर दूंगी। प्रतिमा, वो कलकत्ते वाली पार्टी का चेक बैंक में जमा कराया कि नहीं? प्रतिमा, ओह गॉड, मुझे क्या हो गया? सुबह सुबह कहीं भंग तो नहीं पी ली? मैं खुद ही उसे घर पे छोड़ के आया हूँ, यहाँ के सुबह सुबह। हेलो। हाँ प्रतिमा, मैं राजन बोल रहा हूँ, क्या हो रहा है? मैं रानी से खेल रही हूँ, इसका तो मेरे बगैर दिल ही नहीं लगता। आपको ऑफिस में तो कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही है ना? नहीं, दफ्तर का काम भी जरूरी है और इस वक्त तुम्हारी घर में भी जरूरत है। मम्मी मम्मी, किसका फोन है? बॉस का। बॉस? बॉस क्या होता है मम्मी? बॉस तो भगवान होते हैं। अच्छा, ला मुझे फोन दो, मैं भी भगवान से बातें करूंगी। हेलो भगवान जी, नमस्कार, मैं जमीन से रानी बोल रही हूँ। देखिए मेरी मम्मी मेरे पास आ गई है, आप उसे चंदा मामा में कभी नहीं बुलाना। बेटी, अगर हमने तुम्हारी मम्मी को बुला लिया तो क्या करोगी? बताओ मैं क्या करूंगी? दूध नहीं पीऊंगी, सोऊंगी नहीं और जोर जोर से रोऊंगी। अरे नहीं, नहीं 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 बेटी, रोते नहीं। चलो ठीक है, हम तुम्हारी मम्मी को नहीं बुलाएंगे। हाँ, तुम्हारे ही पास रहने देंगे, ठीक है? हो भगवान जी, आप कितने अच्छे हैं, मैं इसी बात पर आपको किस्से देती हूँ। हा 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 हा, ये तो मीठी वाली पप्पी थी,
थैंक यू। मम्मी भगवान जी इंग्लिश भी बोलते हैं। मम्मी तुम भी भगवान जी को एक पप्पी दे दो ना। भगवान जी छोटे बच्चों की पप्पी लेते हैं, बड़ों की नहीं। अच्छा जो छोटे छोटे बच्चे न होते। इतनी बड़ी दुनिया में जो छोटे छोटे बच्चे न होते। छल ही छल फिर होता जो ये नन्हे मुन्ने बच्चे न होते। इतनी बड़ी दुनिया में जो छोटे छोटे बच्चे न होते। छल ही छल फिर होता जो ये नन्हे मुन्ने बच्चे न होते। इतनी बड़ी दुनिया में प्यार कोई किसी से न करता, नहीं ममता का रूप संवरता। प्यार कोई किसी से न करता, नहीं ममता का रूप संवरता। गलियों पे आती न जवानी, ना ही गुंचों का रंग निखरता। ये बाग भी न होते, बहारें भी न होती, जो नन्हे मुन्ने बच्चे न होते। इतनी बड़ी दुनिया में जो ये तो मन खिल जाए, रोए अगर तो दिल हिल जाए। प्यार भरे जिसे मुस्कान दे दे, उसे दोनों जहान की खुशी मिल जाए। ये हंसी जो न होती तो जिंदगी न होती, जो नन्हे मुन्ने बच्चे न होते। इतनी बड़ी दुनिया में जैसे पानी छुपा हो घटाओं में, छुपी जिंदगी है इनकी अदाओं में। जैसे पानी छुपा हो घटाओं में, छुपी जिंदगी है इनकी अदाओं में। ये धरती पे झूमते हैं ऐसे जैसे उड़ती है तितलियां हवाओं में। ये नन्हे मुन्ने जाने है बांसुरी के ताने, जो नन्हे मुन्ने बच्चे न हो। इतनी बड़ी दुनिया में जो छोटे छोटे बच्चे न होते। छल ही छल फिर होता जो ये नन्हे मुन्ने बच्चे न होते। इतनी बड़ी दुनिया में Yeah.
रज्जू, आज का खाना कैसा लगा? टीनू बाबा, बरसों के बाद ऐसा लजीज खाना खाया है। तुम रोज ऐसा ही खाना बनाया करो। रज्जू, आज का खाना मैंने नहीं, प्रतिमा ने बनाया है। अच्छा, प्रतिमा इतना अच्छा खाना पका भी लेते? अच्छे लोग हर काम अच्छा करते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा सोचते हैं। रज्जू बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया, शमशान में पांव लटकाए बैठा हूं। अब तुम सोचो, मेरे बाद तुम्हारा खाना कौन बनाएगा? बाबा, कल की चिंता आज नहीं करता। अरे, चंद्र आ रहा है। मुन्नी, अब तक तो प्लेन आ भी चुका होगा। क्या बात है अंकल? मुन्नी, तेरे पापा आ रहे हैं। मेरे पापा आ रहे हैं? हाँ। जब वो घर में आकर देखेंगे कि पापा के पीछे मेरी मम्मी भी आ गई, तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग। ये लो, आ भी गया। हाय चंद्र, हाउ वाज द ट्रिप? इट वाज एन एक्सलेंट ट्रिप। अरे, ये तुमने मूंछों को क्या कर लिया? ये वैसे आजकल की स्टाइल है। पापा, ओ मेरी बच्ची। कैसी मेरी बच्ची? मेरे पीछे उदास तो नहीं हुई ना? एक दिन तो उदास हो गई थी, और फिर अंकल ने मुझे बहुत प्यार किया। अच्छा? हाँ, और मुझे मम्मी भी ला कर दे दी। मम्मी, तुम भी इधर आओ ना। पापा, मम्मी से भी बात करो। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। पापा, आप तो ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं जैसे ये आपकी मम्मी हो। ये तो मेरी मम्मी है। बेटा, हर औरत किसी न किसी की माँ होती है। आपके बारे में इन्होंने मुझे चिट्ठी में सब कुछ लिख दिया था। आपने मेरी बच्ची को एक माँ से भी बढ़कर प्यार दिया है, इसके लिए शुक्रिया। तो एक बहुत छोटा सा लफ्ज है, लेकिन रस्मन कह देता हूँ, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो बेटा, घर चले। पापा, ये भी तो अपना ही घर है। बेटी, ये तो तुम्हारे अंकल का घर है। अब मैं आ गया हूँ, घर चलते हैं। अंकल, आज पापा बाहर से आए हैं, तो मैं इनके साथ चली जाती हूँ, कल फिर आ जाऊंगी। बड़ी खुशी से बेटे। चंदन, अब मुन्नी मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई है, इसे मिलने में हर रोज तुम्हारे घर आया करूंगा। आओ मम्मी। कहाँ रानी? अपने घर। रानी, ये हमारे साथ नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? ये तो मेरी मम्मी है। बेटा, अब तुम्हें कैसे समझाऊं? चलो। नहीं, मैं मम्मी को साथ लेकर जाऊंगी। जिद नहीं करती रानी, बेटा चलो मेरे साथ। मैंने क्या जो दिया? मम्मी को साथ लेकर जाऊंगी। सीतरा, चलती हो या नहीं? मम्मी मम्मी, देखो ना, पापा मुझे डांटते हैं। मम्मी मम्मी की रट लगा रखी है। नहीं, देखो चंदन, बच्चे फूलों की मानिंद होते हैं। जिस तरह गर्म हवा चलने से फूल कुमला जाते हैं, उसी तरह डांट डपट से बच्चे भी कुमला जाते हैं। आफ्टर ऑल, शी इज अ स्मॉल गर्ल। क्या बोलती है? मैं? हाँ, तुम जानते हो, मुन्नी की आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता। इसकी खुशी मेरी खुशी है। मुन्नी, ले जाओ मम्मी को। मैं इनको छोड़कर दफ्तर आ जाता हूँ। ओके, चलो मम्मी। टाटा अंकल, टाटा, टाटा, टाटा। आइए, यह है मेरा छोटा सा घर। तो क्या हुआ, घर में रहने वाले का दिल बड़ा होना चाहिए। शुक्रिया। सफर की रिपोर्ट देने में बॉस के पास फैक्ट्री में जा रहा हूँ, तब तक आप रानी के पास रहिएगा। जी हाँ, जरूर। शुक्रिया। आओ मम्मी। मैंने जो कुछ बाहर की दुनिया में देखा है, उसकी रोशनी में मैं आपको ये तब्दीलियां बता रहा हूँ। अब लोग पुरानी लकीर के फकीर नहीं रहे बॉस, हर शख्स नया डिजाइन मांगता है। कारोबार कोई भी हो, पहले ग्राहक की तसल्ली होनी चाहिए। बाहर की फर्में दिन ब दिन नए डिजाइन, नए ब्रांड्स बनाती हैं। चंदन, मैच बॉक्स के बिजनेस में हजारों तब्दीलियां आ जाए, हमारा कबूतर ब्रांड कभी नहीं बदलेगा। लेबल भी यही रहेगा और मैचेस भी यही होगी। बॉस, कारोबार में जिद करना अपने आप से दुश्मनी बोल लेना है। चंदन, हमने तुम्हें पेरिस अपनी कंपनी का नुमाइंदा बनाकर भेजा था। हमें उम्मीद नहीं थी तुम आकर हमारे खानदानी ब्रांड को बदलने की कोशिश करो। हम जिंदगी में कुछ उसूलों को मानते हैं, और किसी कीमत पर भी अपनी मर्यादा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं।
कबूतर ब्रांड माचिस की क्या कदर है, हम अच्छी तरह जानते हैं। मम्मी, मैंने कपड़े बदल लिए, तुमने क्यों नहीं बदले? क्योंकि मेरी साड़ियाँ घर में हैं, इसलिए। मम्मी, तुम भूल गई? हमारे घर में भी तो बहुत सी साड़ियाँ हैं। किसकी? तुम्हारी और किसकी? मम्मी, और मैं तुम्हें दिखाती हूँ। पापा कहा करते हैं कि ये सब साड़ियाँ तुम्हारी हैं। हाँ, ये रही। ये बड़ी अच्छी साड़ी है, ये पहन लो मम्मी। जिद नहीं करते रानी, मैं बाद में पहन लूंगी। तुम साड़ी पहनती हो या मैं रोऊं? तुम जानते हो मुन्नी की आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता, इसकी खुशी मेरी खुशी। मम्मी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, लाओ मैं पहनूंगी। अच्छी मम्मी। माफ कीजिए, रानी की जिद थी कि मैं ये साड़ी पहनूं। बहुत अच्छा किया आपने, मेरी बच्ची का दिल तो रख लिया। रानी के सिवा मेरा इस दुनिया में है ही क्या। शाम हो गई, आपने बत्ती नहीं जलाई? अगर आप इजाजत दें तो मैं घर चली जाऊं। चलिए, मैं आपको छोड़ा। नहीं नहीं नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। अच्छा रानी, कल फिर मिलेंगे। मम्मी, तू मुझे अकेला छोड़ के चंदा मामा के घर में जाना चाहती हो ना, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। जिद नहीं करते रानी, कहा जो कल आ जाऊंगी। जब कल आना है तो फिर जाने की क्या जरूरत है? मेरी बात सुनो रानी, रात को यहाँ रहने से भगवान नाराज हो जाते हैं। होते हैं तो होने दो। देखो बेटा, जिद नहीं करते, अब जाने दो इन्हें। क्यों जाने दो? रानी मार खाएगी मुझसे। देखो पापा, मैं मारने से पहले ही रो पड़ती हूँ। इसे रोने दीजिए, आ जाओ। मम्मी मुझे छोड़ के मत जा, मम्मी मुझे छोड़ के मत जा। रानी, छी रानी, ऐसे नहीं रोते। सुनो मेरी बात सुनो, तुम भी मेरे साथ चलो। पापा मैं जाऊं? रानी एक थप्पड़ मारो। देखिए बच्चों को नहीं मारते, अगर बॉस को पता चल गया आपने रानी को चाटा मारा है तो वो नाराज हो जाएंगे। रानी मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, ठीक है? चलो अब तो हंसो। कहाँ है? वो तो हॉल में सोए हुए हैं। मुझे भी पापा के पास ले चलो। नहीं बेटा, वो थके हुए हैं, उनको आराम की जरूरत है। नहीं सुनो मम्मी, हम भी वहाँ जाकर सोएंगे। चलो ना मम्मी, चलो मम्मी, चलो ना। क्या बात है प्रतिमा? रानी आपके पास सोना चाहती है। आजा बेटा, आजा मेरे पास। मम्मी तुम भी इधर सो जाओ। बेटा ऐसा करो, तुम और मम्मी यहाँ सो जाओ, मैं अंदर जाकर सोता हूँ। हाँ नहीं पापा, तुम भी यहीं सोओगे। बेटा यहाँ सोने के लिए इतनी जगह नहीं है। तो अंदर चलो, वहाँ तो बहुत जगह है। चलो पापा, चलो मम्मी। आप दोनों बिस्तर पर सो जाइए, मैं जमीन पर सो जाऊंगी। आओ बेटा।
क्या बात है रानी? मेरे पास आ। मैं तुम्हारे पास ही तो हूँ। नहीं मम्मी, इधर। रानी तू चुपके से सो जा, ये उनके सोने की जगह नहीं है। यहाँ तो बहुत जगह है। सोती है नहीं, हर बात में जिद करने लगी आजकल। देखिए बच्चे को मत रुलाइए, मैं तो यहाँ बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए आई हूँ। फिर उदासियों से प्यार याद करो बेटा, कभी ये घरे खरा भरा संसार था, एक एक करके सब फूल पत्ते झड़ गए, बड़े मालिक चले गए, शांता चली गई, मुन्नी भी चली गई। रज्जू जब पेड़ पर फूल पत्ते नहीं होते तो पेड़ पेड़ नहीं होता, यही संसार की रीत है। एक बात मेरी मान जाओ, भूल जाओ पुरानी यादों को। मैं जानता हूं तुम कहोगे शांता जैसी दूसरी कहां से आ सकती है, मैं कहता हूं आनी कहां से है, है रज्जू है, प्रतिमा शांता का ही रूप तो है। मैं कई दिनों से देख रहा हूं तुम उसके दिल के किसी कोने में छुपे बैठे हो। दो चार दिन वो यहां थी तो ये घर घर जान पड़ता था, जब से वो चली गई है इस घर की दीवारें फिर उदास हो गई हैं। मैं तुम्हें बच्चे समान समझता हूं और तुम मेरे मालिक भी हो, मुझे बुजुर्ग समझकर इस घर की खोई हुई खुशी वापस ला दो बेटा। देखो बरसों से तुम्हें समझा रहा हूं कि यादों के सहारे सफर नहीं कटता, नहीं कटता रज्जू, नहीं कटता। एक काम करो रज्जू, आज रात सोने से पहले अपने मन में झांक कर देखो, शायद तुम्हारे दिल की किसी धड़कन में प्रतिमा की आवाज सुनाई दे। जाने आजकल मेरे दिल में एक नई उमंग क्यों जाग रही है, उस उमंग को जगाने वाला मैं हूं या कोई और है, ये फैसला मेरे लिए मुश्किल है। पता नहीं ये उमंग मुझे कहां ले जाएगी। प्रतिमा, जहां अब तक तुमने अपनी खुशी से मेरा इतना साथ दिया है, क्या मेरी खुशी से हमेशा के लिए मेरी बन सकोगी? बॉस की तरफ से इस चिट्ठी को हुक्मनामा नहीं समझना, तुम्हारे इकरार से मेरी जिंदगी में बहार आ जाएगी, तुम्हारे इनकार से मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत और बढ़ जाएगी। राजन, दिनो बाबा, ये चिट्ठी सुबह प्रतिमा तक पहुंचा दीजिएगा। प्रतिमा को? ये देखिए, पहले हमारा बिजनेस क्या था और आज क्या है, और अगर इसी तरह हमारी माचिस की सेल्स गिरती रही तो हमारी फैक्ट्री का क्या होगा? बॉस, जब आपके बुजुर्गों ने ये फैक्ट्री खोली थी उन दिनों मुकाबले का जमाना नहीं था, आज कॉम्पिटिटिव एज है, लोग नई चीज को देखकर पुरानी को भूल जाते हैं। आखिर बॉस नया नया होता है और पुराना पुराना। और क्या कहना चाहते हो? बस ये अर्ज करना है कि इस फैक्ट्री के सिलसिले में ये प्लान जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं, ये अगर ना माने गए तो लोग कबूतर की सूरत से भी नफरत करने लगेंगे। बॉस, आपने मेरे ये प्लान्स रद्दी की टोकरी में नहीं फेंके बल्कि मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा है। किसी की बेइज्जती करने का इससे खूबसूरत तरीका और कोई नहीं हो सकता। शायद तुम ये बात भूल गए हो चंदर, लक्ष्मी भवन की कबूतर ब्रांड मैचेस फैक्ट्री सन 1870 में शुरू की गई थी।
हर शख्स लक्ष्मी भवन के नाम से वाकिफ है, हर शख्स कबूतर ब्रांड माचिस को अच्छी तरह जानता है। और ये भी याद रखो, ये माचिस की डिबिया जैसी थी वैसी की वैसी ही रहेगी, इस पर जो कबूतर का लेबल लगा है वो भी वैसे का वैसा ही रहेगा। इस मैच बॉक्स में 60 दिया सलाइयां थी, हैं और हमेशा 60 ही रहेंगी। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, इसे छोड़ दीजिए, वक्त बदल रहा है। वक्त बदल जाए, दुनिया बदल जाए, लक्ष्मी भवन का नाम नहीं बदलेगा, उस घर के उसूल कभी नहीं बदलेंगे। अगर मेरे लफ्जों में वजन नहीं, मेरे लफ्जों की कोई कीमत नहीं, तो फिर आपको मुझे इस फैक्ट्री में मुलाजिम रखने की जरूरत भी क्या है? चंदर, एक फैक्ट्री जो घाटे में चल रही हो, उस फैक्ट्री का नमक खाकर मैं नमक हराम नहीं कहलवाना चाहता। अगर आप नहीं बदल सकते तो मेरा इस्तीफा मंजूर कीजिए। आपने मुझे इतना बड़ा ओहदा दिया, पेरिस का दौरा करवाया, उसके लिए मैं जहां भी रहूंगा आपका एहसान मंद रहूंगा। ऐसे इस्तीफा देना चाहते हो? सोच लो, आजकल नौकरियां सड़कों पे नहीं पड़ी होती। मैं जानता हूं बॉस, लेकिन मैं इसी शहर में छोटे से पैमाने पे अपनी मैचबॉक्स फैक्ट्री खोलने की कोशिश करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे टक्कर लेना चाहता हूं, बल्कि इस बात की आजमाइश करना चाहता हूं कि जो ट्रेनिंग मैंने आपसे हासिल की वो ट्रेनिंग किसी काम की थी या नहीं। बड़ी खुशी से, बेशक तुम अपनी फैक्ट्री खोल सकते हो, लेकिन उसका उद्घाटन हमारे हाथों होगा। गुड लक। बस क्या है? एक लड़का आया था, उसने कहा यह चिट्ठी प्रतिमा देवी ने आपके लिए दी है। प्रतिमा ना? इतनी जल्दी जवाब दे दिया? आज 7 बजे मैं अपनी शादी के सिलसिले में आपसे बातचीत करने आ रही हूं। आप मेरे भगवान हैं, आपकी खुशी मेरी खुशी है, जो आपकी मर्जी होगी वही होगा। प्रतिमा। रामू, बिरजू, कहाँ है तुम लोग? देखो प्रतिमा आ रही है, उसे खाने के लिए जो जो चीजें पसंद है सब बननी चाहिए। हाँ तुम जाओ, तुम कुछ फूल ले आओ, तुम कुछ फल ले आओ, तुम कुछ मिठाइयां ले आओ, और उसे क्या क्या पसंद है सब चीजें ले आओ। हाँ एक घंटे के अंदर सारी चीजें आ जानी चाहिए। मिल गई थी। चिट्ठी के बाद बात ना करें, पहले ये बताओ क्या खाओगी क्या पियोगी? जी अभी नहीं, पहले वो बात कर लूं। ठीक है, जैसी तुम्हारी खुशी। आप तो जानते हैं मैं इस दुनिया में अकेली हूं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं, इसलिए मैं आपके पास आपके विचार जानने के लिए आई हूं। मेरे विचार? वो तो जो है सो है। कुदरत का उसूल है कि हर औरत की जिंदगी मर्द के सहारे के बगैर अधूरी होती है। ये उसूल तो है कुदरत का, इसीलिए मैं
मैं समझ गया। देखो प्रतिमा, शादी का बंधन ऐसा बंधन नहीं जो आज बांधा और कल तोड़ दिया। उस मिलाप की बड़ी महानता है। वैसे तो दुनिया में बहुत सी खुशियां हैं, बहुत से आनंद हैं, लेकिन इस आनंद की एक अपनी ही जगह है। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही नाजुक, बहुत ही गहरा होता है। अगर किसी भी वजह से तुम्हारा दिल न माने तो तुम साफ साफ इनकार कर सकती हो। मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं। ये तो अच्छा ही हुआ कि मेरे कुछ बताने से पहले आपने सब कुछ समझ लिया। कितना बड़ा दिल है आपका। नमस्कार। पहले तुम अपना दिल देखो। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुम ये सोच लेना चाहिए जो शख्स तुम्हारा हाथ पकड़ेगा वो तुम्हारी खुशियों को पूरा कर सकता है कि नहीं। बॉस, मेरा ख्याल है चंद्र एक अच्छा पति बन सकता है। चंद्र? हाँ चंद्र, उन्होंने मुझसे शादी करने के लिए प्रपोज किया है। मैं सोच रही थी आपसे कैसे बात शुरू करूं। आप भी तो उन्हें बहुत चाहते हैं। जमीन से उठाकर आपने उन्हें आसमान पर बिठा दिया। अब रानी भी मेरे बगैर नहीं जी सकती। उसे एक माँ का प्यार चाहिए। जिस घर में आपने मुझे माँ का नाटक रचाने के लिए भेजा था, आज मैं सचमुच उसी घर में एक माँ और पत्नी का फर्ज निभाना चाहती हूँ। प्रतिमा, इस दुनिया में चिराग लेके भी ढूंढो तो तुम जैसी लड़की नहीं मिलेगी। कितना अच्छा जीवन साथी चुना है तुमने। चंद्र बड़ा ही खुश नसीब है। जाओ शादी की तैयारी करो। सारे खर्च का जिम्मा मेरा है। सुखी रहो। मैं चलूं? आजा। अरे प्रतिमा बेटी, तुम यहाँ? मैंने तुम्हें सब जगह ढूंढा। राजन बाबू ने तुम्हारे बाबा तुम जाओ। बाबा हरे जी, वो खत मुझे वापस दे दीजिए। ये लो हरे जी, शादी तय हो गई ना? हाँ। हे भगवान, हे भगवान। लेकिन चंद्र के साथ क्या कह रहे हो रज्जू? बाबा मैं दुनिया को हमेशा देता ही रहा हूं, आज भी दे दिया। नहीं नहीं रज्जू। और मम्मी की शादी हो रही है। अच्छा, आप कब करेंगे शादी अंकल? मुन्ने, तुम्हारी शादी होने के बाद। भगवान तुम दोनों को सुखी रखे। प्रतिमा, मैंने जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं की, लेकिन तुम्हारे बगैर फैक्ट्री उदास हो जाएगी। वर्कर लोगों के दिलों में तुम्हारे खाली कुर्सी देखकर हुक उठा करेगी। फिर भी मेरी और उन सब की यही आशा है, तुम दोनों जिंदगी में खूब फूलो फलो।
फैक्ट्री की तरफ से ये भेद है, सुनहरी कबूतर। चंदर अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाना। ये अंगूठी एक शादीशुदा आदमी के हाथ में मुझसे कहीं अच्छी लगेगी, इसे संभाल कर रखना। दिनु बाबा, यह है मेरे नए बंगले की चाबी। आज से वो बंगला तुम दोनों का है, लेकिन मुफ्त में नहीं दूंगा। कारोबारी आदमी हूं, बदले में कुछ जरूर लूंगा। ऑर्डर दीजिए बॉस। उस बंगले में हर रोज मुझे मुन्नी के साथ खेलने की इजाजत देनी होगी। आप मुझसे इजाजत मांग रहे हैं बॉस? आप तो सचमुच फरिश्ता हैं। आप तो जिंदगी भर सारी दुनिया को देते ही रहे, हमको भी तो बहुत कुछ दे रखा था। आज ये नया मकान भी दे दिया। देने वाले का भंडार कभी खाली नहीं होता और ना होगा। हम कौन होते हैं किसी को कुछ देने वाले? हमें ऊपर वाला देता है और हम उसकी तरफ से दुनिया को बांट देते हैं। चंद्र, दोस्तों को मिलना। रज्जू बेटा, तुमने चंद्र को अपनी अंगूठी देकर अच्छा नहीं किया। यह अंगूठी तो तुम्हारे खानदान के भाग्य की निशानी थी बेटा। तीनों बाबा, इंसान का भाग्य अंगूठी में नहीं, यहां होता है। क्या बात? बॉस, प्रतिमा की शादी को 4 महीने हो गए हैं। ऑफिस में कामकाज की भरमार है, आपके कंधों पर बहुत बोझ है। क्यों ना एक नई सेक्रेटरी रख ली जाए? राम प्रसाद जी, प्रतिमा जो कुर्सी खाली कर गई है वो हमेशा खाली ही रहेगी। गोली मार दूंगी। हाय लॉलीपॉप। हाय, सुना है वो तुम्हारी आइसक्रीम भाग गई। आइसक्रीम? कौन है? वो तोता परी, आप प्रतिमा तुम्हारे किसी वर्कर के साथ भाग गई। डोंट टॉक रबिश, वो भाग नहीं गई, उसकी शादी हुई है। व्हाट नॉनसेंस, कौन बेवकूफ उससे शादी करेगा, ना शक्ल ना सूरत। एक बात बताओ चांदनी, काफी दिन हो गए तुम इस ऑफिस में आके चमकी नहीं। छोकरे, तुम नहीं जानता हम हनीमून पर गया था, दार्जिलिंग, नैनीताल, कुल्लू मनाली, उत्तर कमंड। मुबारक हो, मुबारक हो, आखिर तुम्हारी शादी हो ही गई। व्हाट नॉनसेंस, शादी किसने की है? तो फिर ये हनीमून पे कैसे गई? अपने बॉयफ्रेंड के साथ। अच्छा अच्छा, गॉड ब्लेस हिम, गुड गुड। व्हाट गुड, जब हमारा शादी तुम्हारे साथ होएगा तब हम सेकंड टाइम तुम्हारे साथ हनीमून पे जाएगा। चांदनी, हनीमून के बजाय तुम मून पे चली जाओ तो अच्छा है। व्हाट, तुम जाओ, मुझे अपना काम करना। सुना नहीं, काम हराम है। मैंने 12 बजे 3-4 छोकरों को अपॉइंटमेंट दिया है, बेचारे सब के सब रेस्टोरेंट के बाहर जुबान निकाल के खड़े होंगे। अच्छा बाय। अरे 100 रुपए देना तो है, जरा छोकरा लोग का खातिर-वातिर करेगा, खुश हो जाएगा। क्यों, आजकल तुम्हारे डैडी तुम्हें पैसे नहीं देते? मेरा डैडी सिर्फ इंटरेस्ट पे पैसा देता है ना, आई डोंट वांट टू पे इंटरेस्ट। ये 100 के बजाय 200 लो। थैंक यू। और मेहरबानी करके 5-6 महीने तक इस ऑफिस में मत चमकना। ये शर्त क्यों? ये ऑफिस मेरा होने वाला ऑफिस है, तुम्हारा घर मेरा होने वाला घर है, तुम मेरा होने। प्रतिमा आइए बॉस। देखो आप मुझे बॉस मत कहा करो, दफ्तर वाली बात दफ्तर के साथ गई। मुन्नी कहाँ है? पड़ोस में खेलने गई है, आती ही होगी। अच्छा, ये देखो चंद्र, और तुम्हारे लिए मैं 2 टिकट्स लाया हूँ, एक बहुत अच्छी इंग्लिश पिक्चर चल रही है। सिर्फ 2? और रानी? वो मेरे साथ यहाँ खेलेगी और तुम दोनों पिक्चर देखने जाओगे। लो, गुड इवनिंग बॉस। हाँ गुड इवनिंग चंद्र, लुकिंग वेरी स्मार्ट। मुबारक हो चंद्र, अब मुन्नी के साथ खेलने के लिए मुन्ना आने वाला है। थैंक यू बॉस। अंकल, अंकल आज आप मेरे क्या लाए हैं? अरे अरे सॉरी, आज तो भूल गया, कुछ नहीं लाया। अंकल झूठे, अंकल की जेब में एक बड़ा चॉकलेट मुझे अखियां मार रहा है।
देखा प्रतिमा कितनी तेज बच्ची है, इसकी तो दो आंखें आगे हैं और दो आंखें पीछे। हेलो, यस स्पीकिंग, क्या हुआ? क्या हुआ रज्जू, क्या हुआ, क्या बात है बेटा, बोलते क्यों नहीं रज्जू? रज्जू क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं बाबा, मैंने एक विदेशी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, उस कंपनी का दिवाला निकल गया। दिवाला निकल गया तो कितने का घाटा हुआ बेटा? 50 लाख का। 50 लाख? कोई बात नहीं बेटा, उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आते ही रहते हैं। एक लहर आदमी को खींच कर भंवर की तरफ ले जाती है, दूसरी लहर भंवर में फंसे हुए आदमी को किनारे की तरफ ले आती है। ऐसी बातों को दिल से नहीं लगाते बेटा, भगवान और देगा, इससे दुगना देगा। है रज्जू? तुम्हारी श्रीमती जी की दस्तखत है ना? जी हाँ। बहुत खूब, भगवान करे तुम्हारी ये फैक्ट्री दिन दुगनी या रात चौगुनी तरक्की करे, और हमको तुम्हारा ये मकान नीलाम करने की जरूरत ना पड़े। ये लो अपनी रकम, पूरे 2 लाख। चलपत राम जी, क्या ये सारी रकम एक एक के नोट में है? जी हाँ भाई, आजकल अफवाहें उड़ रही हैं कि सरकार 5, 10 और 100 रुपए की नोट बदल रही है, इसलिए मैंने तुम्हारी रकम का इंतजाम 1-1 रुपए के नोटों में कर दिया। ठीक है ना? अच्छा भाई चंद्र बाबू, मैं चला। हाँ एक तो रुपया 3% महीना सूद पर ले लिया और ऊपर से घर भी गिरवी रख दिया। लेकिन याद है चंदर, ये घर कितने प्यार से बॉस ने हमें शादी के तोहफे में दिया था। ये घर गिरवी रखकर हमने एक ऐसे नेक आदमी की तौहीन की है जिसकी जिंदगी दूसरों के लिए है। अगर घर गिरवी न रखता तो फैक्ट्री में लगाने के लिए रुपया कहां से आता? सड़कों पर भीख भी तो नहीं मांगी जाती। किसी के प्यार को नीलाम करने से तो अच्छा है भीख मांग ली जाए। जरा सोचिए, अगर बॉस को पता चल गया कि उनका दिया हुआ घर हमने गिरवी रख दिया तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? इतना सदमा तो उनको भी नहीं होगा जितना कि तुम्हें हो रहा है प्रतिमा। अब हर बात में बॉस बॉस भूल जाओ, अपना फायदा भी सोचना चाहिए। मैं एक नया काम शुरू करने वाला हूँ, हीर हुज्जत करके मेरे काम में विघ्न मत डाल। आइए। ईगल ब्रांड माचिस की इतनी बड़ी पब्लिसिटी। ईगल के सामने कबूतर अभी भी शेर है।
मिस्टर वर्क मैनेजर, ये ऑर्डर वक्त पर क्यों गया? तुम्हें मेरे असूलों का पता है, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, टाइम इज मनी। ईगल ब्रांड माचिस की सेल दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ऑर्डर पर ऑर्डर आ रहे हैं। अगर तुम इसी तरह काम करते रहे तो हम ये सब ऑर्डर कैसे मीट करेंगे? बिजनेस का सबसे पहला असूल है वक्त पर सप्लाई करना, समझे? यस सर। नहीं नहीं, आज के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। हाँ, और मिस्टर जैन को फोन करके कह दो कि मैं उन्हें कलकत्ता से आने के बाद मिलूंगा। दैट्स राइट, फाइन। आइए रामेश्वर जी, बैठिए। और कलकत्ता ट्रंक कॉल कर दो और कह दो कि गाड़ी एयरपोर्ट भेज देना। या फाइन, कहिए। आज इधर कैसे? आज मैं अपने दिल का बोझ कुछ हल्का करने आया। क्यों, क्या बात है? हमारे बॉस की माली हालत दिन ब दिन गिरती जा रही है। क्या हुआ? उन्होंने एक विदेशी कंपनी के 50 लाख रुपए के हिस्से खरीदे थे, कंपनी का दिवाला निकल गया। इसके बाद उन्होंने मैच बॉक्स फैक्ट्री के लिए मसाला मंगाया। रात को बारिश पड़ गई, गोदाम की छत टपक रही थी, तमाम मसाला भीग कर बेकार हो गया। इससे भी 8-10 लाख रुपए का नुकसान हुआ। और अब फैक्ट्री की यह हालत हो गई है जैसे वो फैक्ट्री नहीं, यतीम बच्चा हो। ऐसी बॉस को कितना समझाया कि वक्त के साथ आदमी को बदलना चाहिए। बॉस कभी नहीं बदलेंगे। ऐसी खस्ता हालत में भी रुपया सूद पर ले लेकर खैरातें जारी हैं और दान पुन किए जा रहे हैं। ये सब बातें तो उन्हें तबाही की तरफ ले जाएंगी। ले के जाएंगी साहब, तबाही आ चुकी है। ये खबर सुनाकर तो आपने मुझे परेशान सा कर दिया। खैर कोई बात नहीं, आज तो मैं कारोबार के सिलसिले में कलकत्ता जा रहा हूँ और मेरा जाना भी बहुत जरूरी है। कुछ दिनों के बाद मैं लौटूंगा और उसे एक बार फिर समझाने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर, प्रतिमा कैसी? मामूली सी बात है, ये इंजेक्शन चाहिए। बाबा जल्दी से इंजेक्शन ले। दो दिन से न तुमने कुछ खाया है, न पिया है, न दो घड़ी आराम किया है। नींद, आराम, खाना पीना, ये तो रोज का काम है बाबा। चंद्र अभी तक लौटा नहीं। प्रतिमा का और कौन रिश्तेदार है? अभी तो सब कुछ है। मिस्टर राजन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, लड़का हुआ है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। प्रतिमा कैसी? माँ बच्चे का मुखड़ा देखकर अगले पिछले सब दुख भूल जाती है। ये देखिए, गुड्डा है, गुड्डा, स्वीट बॉय, स्वीट बॉय। चुक चुक जियो बेटे, चुक चुक जियो। गुड मॉर्निंग बॉस। अरे चंद्र आ गए, मुबारक हो। देखो तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम्हारी कार्बन कॉपी है। अरे मुन्ने के बाप, पहले मुन्ने की माँ को तो देख के आओ, घर वाली को तो देखो पहले। कहिए दलपत राम जी। आइए बैठे, क्या हाल है? हम तो बड़े मजे में हैं। आप अपनी सुनाइए सेठ जी। अब आया। माफ करना प्रतिमा, कारोबार की बात कुछ ज्यादा बढ़ गई थी, देर हो गई। बड़ा प्यारा है मुन्ने। अब मुझे और मुन्ने को छोड़िए, पहले जाकर बॉस की भूख प्यास पूछिए। दो दिन से बुद्ध की तरह बैठे हैं, ना नींद, ना आराम, ना खाना, ना पीना। दूसरों के लिए जीना तो बॉस की आदत है। मैं भी आता हूं। कहिए, फैक्ट्री कैसी चल रही है? चल क्या रही है दलपत राम जी, दौड़ रही है। एक दिन उड़ भी जाएगी सेठ जी। बॉस, मेरी गैर हाजिरी में आपने प्रतिमा की इतनी देखभाल की, किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं? देखो चंद्र, फर्ज को एहसान का नाम देकर किसी को शर्मिंदा नहीं करते। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? शर्माती क्यों, पूछो। मैंने सुना आपको कारोबार में बहुत नुकसान हुआ है। कारोबार में सिर्फ दो ही चीजें होती है चंद्र,
नफा या नुकसान? बॉस, अगर आप ठंडे दिल से सोचें तो आपकी फैक्ट्री और मेरी फैक्ट्री एक हो सकती है। ईगल और कबूतर का मेल। सुना दीनू बाबा, ये चंदर कह रहा है ईगल ब्रांड और कबूतर ब्रांड दोनों एक हो सकते हैं। सुनो चंदर, ये कबूतर ब्रांड माचिस लक्ष्मी भवन की बुनियाद है और लक्ष्मी भवन को किसी के सहारे की जरूरत नहीं। लक्ष्मी भवन में हमारे बाप दादा से लेकर हम तक जो कोई भी रहा है उसने हमेशा देना सीखा है, लेना नहीं। देने के दिन तो चले गए सेठ जी, अब लेने के दिन आने वाले। दलपत राम सेठ, जानते हो किससे बात कर रहे हो? राजन बाबू, ये झूठिया कर किस काम की? बाजार में जाके सुनो क्या क्या बातें हो रही है। न कोई आपकी फैक्ट्री का माल उठाने के लिए तैयार है, न कोई चारा ने उधार देने के लिए। कुछ दिनों में शायद दिवाली की नौबत भी आने वाली है। राजन बाबू, ऐसे कमजरफों के मुंह नहीं लगते। एक बात याद रखो सेठ दलपत राम, तुम दौलत के पुजारी हो। तुमने हमेशा दौलत लूटी है और हमने हमेशा दौलत लुटाई और आखिरी सांस तक लुटाते रहेंगे। क्या करें बॉस, आजकल बाजार में कहीं से भी माचिस खरीदते हैं तो यही माचिस मिलती है। अपना कबूतर ब्रांड तो किसी दुकान पर नजर ही नहीं आता। ना शुक्र है, नमक हराम। बॉस आप कुछ भी कह लीजिए मगर नमक हराम ना कहिए। चार महीने से बगैर तनख्वाह के हम चुपचाप काम किया जा रहे हैं। अगर हम चाहते तो किसी और फैक्ट्री में भी जा सकते थे। बड़ा सबूत दे रहे हो अपनी वफादारी का। कबूतर ब्रांड माचिस में 60 दिया सलाइयां होती है, तुम लोग उसे छोड़कर ईगल ब्रांड की 50 दिया सलाइयां वाली माचिस खरीदते हैं और वो भी एक पैसा ज्यादा देकर। जिस दरख्त की छांव में बैठे हो उसी की जड़ें काट रहे हो। बॉस, कबूतर मार्का माचिस में से एक दिया सलाई जलती है, दूसरी जलती ही नहीं। लेकिन ईगल ब्रांड की तो 50 की 50 दिया सलाइयां जलती है। हमारी फैक्ट्री की माचिस किसी के पास है? जी है। अब देखते हैं सारी की सारी दिया सलाइयां जलती है कि नहीं। लक्ष्मी भवन के कबूतर मार का फैक्ट्री आजकल ऐसे निकम्मी माचिस से बनाने लगे। ऐसी माचिस से बनाकर पब्लिक को धोखा दिया जा रहा है। अभी जाकर खबर लेता हूं सबकी। फोरमैन रामचंद कहां मर गए? अरे कोई है? कहां गए? के मुताबिक लक्ष्मी भवन और श्री राजन की दूसरी जायदादों की नीलामी हो रही है। 2 लाख से ऊपर की बोली से ही पहली बोली शुरू होगी। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 5 लाख 1, 5 लाख 2, 6 लाख, 6.5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 10 लाख 1, 10 लाख 2, 12 लाख, 12 लाख 1, 12 लाख 2, 12 लाख 1, 12 लाख 2, 15 लाख, 15 लाख 1, 15 लाख 2, 15 लाख 1, 15 लाख 2, 25 लाख, 25 लाख
25 लाख 1, 25 लाख 2, 25 लाख 3। ये क्या? बस हमने लक्ष्मी भवन खरीद लिया है। अच्छा, मुबारक हो। हमने अपने लिए नहीं, नीलामी में आपके लिए खरीदा है। मेरे लिए? जी। चंदर, तुम क्या समझते हो मैं अपाहिज हो गया हूं, लूला लंगड़ा हो गया हूं? मेरा हाथ टूट चुका है, अभी मुझ में जिंदगी से लड़ने की हिम्मत है। चंदर, ये घर तुम्हारा हो चुका है, अब इस घर में तुम लोग रहोगे। देखिए, लक्ष्मी भवन हमारा नहीं, आप ही का था और आप ही का रहेगा। प्रतिमा, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं किस मिट्टी का बना हुआ हूं। मेरी झोली में ये भीख का टुकड़ा डाल के मुझे मरने पर मजबूर न करो। तो क्या आप हमें पराया समझने लगे? अंकल, अंकल, अगर आप यहाँ नहीं रहेंगे तो आपकी मुन्नी आपसे रूठ जाएगी। नहीं नहीं, वो मत, मैं किसी भी कीमत पे तुम्हें रोक नहीं दूंगा। ये कभी ना सोचना मैं तुमसे कहीं दूर चला जाऊंगा। लक्ष्मी भवन के बगल में एक छोटा सा घर है, मैं वहां रहूंगा। क्या आप उस टूटे फूटे घर में रहेंगे? क्यों नहीं, नीचे जमीन सर आसमान चाहिए, लेकिन मैं वहां मुफ्त नहीं रहूंगा, उसका किराया दिया करूंगा। बॉस, जिद की भी कोई हद होती है। ठीक है, अगर जिद समझते हो तो मैं कहीं और चला जाऊंगा। बॉस, जैसे आपकी मर्जी, आप उसी घर में रहिए। दीनू बाबा, हमारा कुछ कपड़ा लता आउट हाउस में रखवा दीजिए। आओ मनी। कब स्वीटी? आज हम तुम्हें अपना नया घर दिखाएंगे। दीवार पे हसरत से नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। बेटा, मैं भी तो भूत हूँ। मजाक छोड़िए, ये पुराना घर आपके रहने के काबिल नहीं, चलिए ना। बेटी, जिद नहीं करते, तुमने देखा है ना, भगवान उस पुराने मंदिर में निवास करते हैं। हाँ, तो जब भगवान पुराने मंदिर में रह सकते हैं तो मैं इस पुराने घर में नहीं रह सकता। हे मुरली मनोहर, ये तूने क्या किया? मैंने चंदर को 2 लाख रुपया 3% पे उधार दिया था ताकि वो हमेशा मेरे कर्ज की नीचे दबा रहे, लेकिन तूने मेरे रुपये से उसकी फैक्ट्री में 4 चांद लगा दिए और चंदर ने मेरे 2 लाख रुपए वापस करके मेरे पेट पे लात मारी है। भगवान, ये अन्याय मुझसे क्यों? डैडी, तुम गौर को मस्का लगाता है मैन, लेकिन गौर तुम तक खुश कभी नहीं होएगा क्योंकि तुम उसको हलवाई का बनाई सड़ा पेड़ा खिलाता है। गॉड गॉड, माय फादर इज अ सिंजी मैन, एकदम कंजूस है, बाजार से सबसे सड़े हुए पेड़े लाकर तेरे चरणों में चढ़ाता है। सी गॉड, हम तुम्हारे लिए कैडबरी चॉकलेट पाया, खाओ गॉड, खाओ। गॉड, I want my husband, मुझे मेरा हस्बैंड चाहिए, चाहे मेरा हनीमून पहले हो जाए, हस्बैंड बाद में मिले, हस्बैंड पहले मिले, हनीमून बाद में हो जाए, अपन को कुछ भी चलेगा गॉड। लेकिन गॉड, इतना याद रखो, ये चॉकलेट मैंने
290 पैसे में खरीदा है और मेरे डैडी का ये पेड़ा सिर्फ 10 पैसे का है। Don't listen to him, God. Listen to me. Bye bye. कैडबरी खाते ही मेरा काम कर देना। Bye God. देख लिया भगवान, यह है मेरी औलाद, इसमें भी घाटा। अंकल। अरे मुन्ने, ये ले। अरे ये खिलौना कहाँ से लाई? ये खिलौना मेरे लिए मेरे पापा लाए हैं। अच्छा? हाँ देखो अंकल, कैसा अजीब खिलौना है। इसको मेज पर रखे तो ये झूलता है इधर से उधर, उधर से इधर। लेकिन गिरता नहीं। बेटे, ये खिलौना मेरी जिंदगी की मिसाल है। मैं भी ऐसा ही एक खिलौना हूं। किधर भी उड़ जाऊं पर मैं नहीं गिरने का, अरे कभी नहीं गिरने का। मैं ऐसा एक खिलौना, मैं ऐसा एक खिलौना। घूम जाऊं किधर भी मुड़ जाऊं पर मैं नहीं गिरने का, अरे कभी नहीं गिरने का। मैं ऐसा एक खिलौना, मैं ऐसा एक खिलौना। देखे कितने तूफान, देखी कितनी बरसातें। मैंने देखे कितने तूफान, देखी कितनी बरसातें। चाल न मैंने अपनी बदली, वो दिन बदले बदली रातें। मेरा दिल मेरी मर्जी, क्यों सुनो किसी की बातें। मैं ऐसा एक खिलौना, मैं ऐसा एक खिलौना। घूम जाऊं किधर भी मुड़ जाऊं पर मैं नहीं गिरने का, अरे कभी नहीं गिरने का। मैं ऐसा एक खिलौना, मैं ऐसा एक खिलौना। मुझे लेना किसी से क्या है, मैंने देना ही सीखा है। मुझे लेना किसी से क्या है, मैंने देना ही सीखा है। कोई समझे या ना समझे, मेरा जीना है। मेरी हंसी मेरे आंसू, जो कुछ भी है वो मेरा है। मैं ऐसा एक खिलौना, मैं ऐसा एक खिलौना। घूम जाऊं किधर भी मुड़ जाऊं पर मैं नहीं गिरने का,
अरे कभी नहीं गिरने का मैं ऐसा एक खिलौना, मैं ऐसा एक खिलौना। क्या बात है प्रतिमा, तुम खाना मुंह तक ले जाती है और फिर तुम्हारा हाथ वापस आ जाता है। मैं सोच रही हूँ जिस आदमी की बदौलत ये पकवान हमारे घर में पक रहे हैं, आज उस आदमी ने खाना खाया होगा या नहीं। इस घर में बॉस के लिए खाने की कमी नहीं है, लेकिन वो माने भी तो सही, तुम मनवा लो ना। कैसे मनाओ, आदमी पहाड़ों का सीना चीर सकता है, तूफानों का मुंह मोड़ सकता है, लेकिन लक्ष्मी भवन के बॉस का इरादा कोई नहीं बदल सकता। शायद ये लक्ष्मी भवन की मिट्टी की तासीर है। लक्ष्मी भवन, बॉस, बॉस की सेक्रेटरी, मेरी बीवी, लाइफ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जिंदगी भी एक अजीब उलझन है। आज सिर्फ दाल चावल ही बना है। ठीक है बाबा, वक्त वक्त की बात है, दाल चावल ही सही, थाली तो चांदी की है। और ये थाली उस वक्त मेरे काम आएगी जब आदमी को किसी से कोई गरज नहीं होती। जी क्या बात है, दिन ब दिन तुम कोई ना कोई नया शोशा छोड़ देती हो, बिस्तर पर सोने के बजाय जमीन पर सोने की क्या जरूरत है। माफ कीजिए, मुझे नरम गद्दे पर नींद नहीं आती। जिस शख्स के लिए गद्दे थे वो आज खटिया पर सो रहा होगा। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम बात को जरूरत से ज्यादा बढ़ा रही हो। अपना इल्जाम किसी और के सर पर नहीं डालती। तो चलो एक बार ये बता ही दो कि मैंने कौन सा गुनाह किया है। अगर आपको इस दुनिया में कोई काम करना ही था तो सिर्फ एक मैचबॉक्स फैक्ट्री का काम ही बाकी नहीं गया था। अपने दादा के मुकाबले में खड़ा होना, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं सूझा। जो कुछ किया तुम्हारे सामने किया, और फिर कितनी बार मैंने बॉस को समझाया कि हम अपनी दोनों फैक्ट्रियां सांझे में कर लेते हैं, लेकिन एक जिद्दी आदमी से कौन लड़े। मेरा जो फर्ज था मैं पूरा करता रहा, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरी बात का मजाक उड़ाया। मेरा ख्याल है वो शायद वो मेरी तरक्की से जल भुन रहे होंगे। मैं बॉस को अच्छी तरह जानती हूँ, वो जलने वाले दिन पैदा नहीं हुए। अब तो ये यकीन आ रहा है कि मेरी तरक्की से तुम भी जल रही हो। क्या? अरे मैं क्या करूं? चुप हो जा मुन्ने। क्या बात है मुन्ने, मुन्ना क्यों रो रहा है? अंकल चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। आजा, 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 आ नहीं 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 ओ हो ये देखो ये देखो ये देखो ये ये आहा देखा मुन्ने। अरे असली कबूतर देखे चुप हो गया। मुन्ने ये अंकल का कबूतर है, कबूतर अंकल से प्यार करता है और अंकल कबूतर से। प्रतिमा, आज तुमने ऑफिस में लंच क्यों नहीं भेजा? क्या बात है? कोई नई बात नहीं है। कोई नई बात नहीं तो पुरानी बात कौन सी है? आप खुद समझ सकते हैं। सब समझता हूं। तुम यही सोचती रहती हो ना कि पहले बॉस के पास माचिस फैक्ट्री थी, अब मेरे पास भी है। पहले उनके पास कार थी, अब मेरे पास भी है। पहले बॉस लक्ष्मी भवन में रहते थे, अब मैं लक्ष्मी भवन में रहता हूँ। पहले बॉस इस शहर के मेयर थे और अब मैं इस शहर का मेयर बनने वाला हूँ। नया तो दुनिया, अब मेरी अपनी बीवी भी मेरी कामयाबी पर ताव खाने लगी। अब बरस क्यों रहे हैं? मैं कैसे आदमी के लिए आपसे इंसाफ मांग रही हूँ जो हमारा अन्नदाता है?
अब जानते हैं कि वो टूट चुके हैं। अब एक दफे जाकर वहां पूछिए तो सही, उनका दर्द क्या है। प्रतिमा, मेरे वहां जाने से कुछ नहीं होगा। जो आदमी दुखी होता है, कभी कभी हमदर्दी के दो लफ्ज भी उसके दिल में तीर बनकर चुभते हैं। मुझे देखकर बॉस यही सोचेंगे कि कभी हम उनके टुकड़ों पर पलते थे और आज आज हमारे घर में की के चराग जलते हैं। आपके वहां जाने से कुछ नहीं बिगड़ेगा, घर बैठे बैठे उन पर इल्जाम नहीं लगा सकते। जाने किस शिकंजे में फंस गया हूं। कभी कभी तो ये ख्याल आता है कि सिर्फ मुझे जलाने के लिए एक मगरूर आदमी महल छोड़कर टूटे फूटे घर में रहने लगा है। प्रतिमा, मैं देख रहा हूं तुम्हारी आंखों से अंगारे बरसते हैं। ये घर एक जहन्नुम बन गया है मेरे लिए। अब अगर मैं इस घर में रहा तो इस जहन्नुम की आग में मैं जल जाऊंगा, जल जाऊंगा, जल जाऊंगा। साहब, चाय और ग्रिल सैंडविच लाऊं? नहीं, एक विस्की लेकर आओ। विस्की? पहले तो आप सिर्फ चाय पीते थे और सैंडविच ही खाते थे, लेकिन आज ज्यादा बहस मत करो, जो मैंने कहा है वो लेकर आओ। अच्छा साहब। एक और लाओ। पूरी बोतल लेकर आओ। रज्जू, क्या बात है बाबू? सुना है चंदर को कॉरपोरेशन का मेयर बना रहे हैं। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। रज्जू बेटा, 5 साल तक तुम मेयर थे, अब लोग तुम्हें भूल गए। सच है, दुनिया चढ़ते सूरज की पूजा करती है। बाबा, सूरज चढ़ता हो या ढलता हो, सूरज सूरज ही होता है। समय समय की बात है बेटा, एक जमाना अपना भी था। देखो बाबा, जो हाथ देना जानता है, जब वो नहीं दे सकता तो उसकी याद नहीं दिलानी चाहिए। और फिर हर साल एक नया मेयर बन के आता है, ये दुनिया किसी की जागीर तो नहीं है। ये तो अच्छा हुआ मेरी जगह चंद्र को ही मेयर बनाया जा रहा है, अपना ही आदमी है, अपना ही तो अंग है। बाबा, ये सुनकर प्रतिमा कितनी खुश होगी। पति की इज्जत और शोहरत में पत्नी का भी बहुत हिस्सा होता है। लक्ष्मी भवन में आज तक शराब की खाली बोतल भी कभी नहीं देखेंगे। मेयर बनने की खुशी में मेरे दोस्तों ने मुझे लक्ष्मी भवन में दावत देने पर मजबूर किया। क्या मैं उन्हें घर पे बुलाकर नींबू पानी पिलाऊं? लेकिन इन सब बातों का बच्चों पर क्या असर होगा? तुम अपने काम से काम रखो और मुझे अपना काम करने दो। साकी भर दे जान, साकी भर दे जान, घुंघरू बांध के आई शाम, आजा हो जाए बदनाम, क्योंकि मौसम भी है मौका भी है। साकी भर दे जान, घुंघरू बांध के आई शाम, आजा हो जाए बदनाम, क्योंकि मौसम भी है मौका भी है
साथी भर दे जाम घुंघरू बांध के आई शाम आजा हो जाए बदनाम क्योंकि मौसम भी है मौका भी है। सूरज किसने देखा रात का रंग जमाए कल का सूरज किसने देखा रात का रंग जमाए सबसे अच्छी चीज है मस्ती मस्ती में खो जाए ओ दुनिया चाहे दे इल्जाम हमको दुनिया से क्या काम आजा हो जाए बदनाम क्योंकि मौसम भी है मौका भी है ओ साकी भर दे जाम घुंघरू बांध के आई शाम आजा हो जाए बदनाम क्योंकि मौसम भी है माता भी है। सब कुछ तेरे नाम और फिर बिक जाए बेदाम आजा हो जाए बदनाम क्योंकि मौसम भी है मौका भी है ओ साकी भर दे जाम घुंघरू बांध के आई शाम आजा हो जाए बदनाम क्योंकि मौसम भी है मौका भी है मौसम भी है भी है साथी भर दे जाम घुंघरू बांध के आई शाम आजा हो जाए बदनाम क्योंकि मौसम भी है मौका भी है मौसम भी है बुलंदी पर पहुंचकर इतनी जल्दी गिर गए हो पाताल में। ये लक्ष्मी भवन है चंदर। इस घर में दाखिल होने से पहले लोग अपने पांव धोया करते थे और आज तुम पानी की तरह शराब पी रहे हो। यहां बाजारी औरतों के नाश नहीं होते थे, पूजा होती थी, यज्ञ होते थे, दान पुण्य किए जाते थे। ये घर एक मंदिर है जिसमें मेरे पुरखों की आत्माएं रहती हैं। तुम जैसे लोग इस घर में रहने के काबिल नहीं है, निकल जाओ यहां से। राजन बाबू, दांव में आकर तुम ये भूल गए हो कि अब ये घर तुम्हारा नहीं मेरा है और जिन लोगों के सामने तुम मेरी पगड़ी उछाल रहे हो वो मेरे दोस्त हैं। जो लोग खुदगर्जी के लिए दूसरों को बुरे रास्तों पर डाल देते हैं वो अच्छे दोस्त कभी नहीं होते। राजन बाबू, मैं आज तक तुम्हें इज्जत की नजर से देखता रहा हूं लेकिन आज तुम मेरे ही घर में आकर मेरी तौहीन कर रहे हो। चुपके से अपना रास्ता लो। ये सब क्या हो रहा है? शराब के नशे में इंसानियत भी भूल गए? हम इनके एहसानों का बदला जन्म जन्म तक नहीं चुका सकते। आप तो रातों रात अमीर बन गए
लेकिन इनके बाप दादा ने बरसों मेहनत करके अमीरी देखी थी। अब बॉस के पांव छुई और माफी मांगी। ओ शट अप, बॉस की बच्ची, बॉस की लाडली। तुमने प्रतिमा पे हाथ उठाया, अपनी पत्नी पे हाथ उठाया, अपने बच्चे की मां पे हाथ उठाया, शैतान कहीं ना। किसी का चलो दोस्तों, हम सब शैतान हैं और ये एक मंदिर है। चलो चंदन, आप यहाँ आए ही क्यों? ये तुम कह रही हो? तुम कह रही हो प्रतिमा? भूल हो गए, गलत जगह पे आ गए, माफ कर। बॉस, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालिए। आजकल मुझे बुरे भले में तमीज नहीं रही, तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज के बाद इस घर में मैं कभी कदम नहीं रखूंगा, एक और रिश्ता भी टूट गया। बॉस, रानी, 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 बाबा, बाबा जरा पानी पिलाइए। अभी लाया। क्या बात है? क्या दिन आ गए हैं बाबा? आज प्रतिमा भी मुझसे कहती है मैं उसके घर क्यों गया। प्रतिमा? प्रतिमा ने ऐसा कहा? हाँ बाबा, मैं सोच भी नहीं सकता था उसकी जुबान से ऐसे लफ्ज निकलेंगे। अब मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा। हवा मेरी जिंदगी के खिलाफ चल रही है, मैं एक पल भी यहां नहीं रहूंगा बाबा। अब जल्दी से सामान बांध लीजिए। बॉस, बॉस, रानी को गिरकर सब चोट लगी, अब जल्दी से चलिए। नहीं, अब मैं उस घर में कभी कदम नहीं रखूंगा। वो बेहोश पड़ी है। मैं बेहोश? इस चीज को मैं एक बार छोड़ देता हूं, पीछे मुड़कर उसकी तरफ कभी नहीं देखता। मैं उस घर में नहीं जाऊंगा। हे भगवान, अब मेरी बच्ची को कौन बचाएगा? मैं अकेली औरत कहां कहां भागे फिरू। चंदर कहां गया? वो तो क्लब में होंगे। पहले तो मैं समझा था कि मामूली सी चोट है, पर अब पता चला है रानी के दिमाग के नाजुक हिस्से पर कारी चोट लगी है। शायद कोई नस फट गई है, ऑपरेशन भी नामुमकिन है। सख चोट आई है, वो बेहोश पड़ी है। बेहोश पड़ी है? बड़ी खुश किस्मत है रानी बॉस,
मैं तो शराब पीकर भी होश में हूं। आओ मेरे साथ। क्या बात है चंदन? क्या हुआ? इतने अच्छे आदमी थे तुम, इतने भले आदमी थे, आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें शराबी बना दिया? आप क्या समझते हैं बॉस, मैं शराब अपनी खुशी के लिए पीता हूं? मैं तो अपना गम गलत करने के लिए पीता हूं बॉस। आप तो जानते हैं मैं एक मेहनती और सीधा सादा आदमी था। मुझे यहां तक लाने वाले आप हैं बॉस, आप। क्या कह रहे हो तुम? ठीक कह रहा हूं। इस दुनिया में दौलत बांट बांट के खैरात कर करके आपके हाथ खाली हो गए हैं, और इस दुनिया से दौलत ले लेके मैं एक बहुत बड़ा आदमी बन गया। इसी दौलत की वजह से आज आपके और मेरे बीच, मेरी और मेरी बीवी के बीच एक नफरत की दीवार खड़ी हो गई है बॉस। बॉस मेरी सारी दौलत ले लीजिए, लक्ष्मी भवन ले लीजिए, और मुझे फिर वही मुलाजिम बनाकर, एक नौकर बनाकर रख लीजिए। मैं उन दिनों बहुत खुश था बॉस, मैं बहुत खुश था। बॉस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ शांति चाहिए बॉस, सिर्फ शांति चाहिए। मैं समझ गया चंदर, सब समझ गया। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पहले घर चलो, मन की शांति घर में ही मिलती है, अपनी बीवी के पास, अपने बच्चों के पास। आओ। डॉक्टर साहब, रानी कैसी है? सॉरी, मैं रानी को बचा न सका। तुम भी मुझे छोड़ के चली गई। बॉस, आखिरी सांस लेते वक्त भी रानी की जुबान पे आप ही का नाम था। आइए, रानी का मुंह देख लीजिए। अभी आप इस घर के अंदर कदम नहीं रखेंगे? रानी के ठंडे माथे को नहीं चूमेंगे? मैं मुन्नी का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद रखना चाहता। जिसमें सावन भी हो साथी भी हो और झूले भी, जिसमें सावन भी हो साथी भी हो और झूले भी, जाने इस दुनिया में वो मेला किधर लगता है, जाने इस दुनिया में वो मेला किधर लगता है। सारी दुनिया मुझे एक मौत का घर लगता है, जिंदगी अब तो तेरे नाम से डर लगता है, जिंदगी अब तो तेरे नाम से डर लगता है। आने वाले वापस नहीं आते, धीरज रखो। मैं जानता हूं अब तुम्हारा दिल लक्ष्मी भवन में नहीं लगेगा, तुम वहां नहीं रह पाओगे बेटा। रज्जू मेरी एक बात मानो, कई साल हुए तुमने मुझे एक कुटिया बनवा कर दी थी, चलो हम दोनों वहीं चलकर रहें। मैं जानता हूं
तुम मुफ्त में नहीं रहोगे। तो बेटा ऐसा करना, रुपया दो रुपया महीना किराया दे देना। जरूर दूंगा। चलो बेटा। ये सब मेरे बुजुर्गों की समाधियां हैं, मुन्नी भी यही है। सर सर कहाँ? उसमें क्या आप ही राजा ने? हाँ क्या? सब आपका पार्सल है, यहां दस्तखत कर दीजिए। साहब आपका पता बड़ी मुश्किल से मिला है। अच्छा सर ठीक है। शुक्रिया सर। नमस्ते। नमस्ते दीनू बाबा। दीनू बाबा बाबा, आज ऑफिस जाते वक्त मुझे याद दिला दीजिएगा। हम अपनी मुन्नी के लिए जापान से एक म्यूजिकल डॉल मंगवाएंगे। वो क्या होती है अंकल? बेटे वो एक बहुत खूबसूरत गुड़िया होती है जो गाती भी है। क्या हुआ रज्जू? तभी तो ठीक है बेटा। खत में लिखा है वैसे ही कीजिए। अच्छा बेटा। बस
अरे प्रतिमा आओ बैठो। अब तकलीफ मत कीजिए। कैसी हो? अच्छी हूँ। दीनू बाबा क्या बात है रज्जू? आओ देखो कौन आया। अरे प्रतिमा बिटिया, कहो बिटिया अच्छी तो हो? हाँ दीनू बाबा बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन बॉस की तबीयत। प्रतिमा आज मैं बहुत खुश हूँ तुमने अपने कदम इस घर में रखे। बहुत दिन हो गए थे आपको देखे हुए। दिन तो गुजर ही जाते हैं। खैर छोड़ो, पहले ये बताओ क्या खाओगी? सुबह शाम जो कुछ भी खाती हूँ वो तो आप ही का दिया हुआ है। सुबह शाम की बात छोड़ो, इस वक्त तुम इस घर में मेहमान हो। मेहमान? हाँ मेहमान ही तो हूँ। सच पूछे तो बहुत भूख लगी है, खाना खाए बगैर नहीं जाऊंगी। ये हुई ना अच्छी लड़कियों वाली बात। दीनू बाबा जाओ प्रतिमा के लिए कोई बढ़िया सा खाना बना के। रज्जू क्या बात है, जाओ ना। जरा इधर आओ, एक बात कहनी है। क्या बात है बेटा? तुमने खाने को तो कह दिया लेकिन घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं है। अनाज तो क्या, शायद नमक मिर्च भी ना हो। जिंदगी भर दुनिया को देता आया हूं, आज के मेरी हार होगी। तीनों बाबा रज्जू। हाँ बाबा चलिए चलिए। कब प्रतिमा आज यहाँ कैसे भूल पड़ी? भिखारी हमेशा दाता के दरवाजे पर कुछ लेने ही आता है। एक चीज की जरूरत पड़ गई थी, लेने आई हूँ। मुझसे? जिंदगी भर जो कुछ भी लिया है आप ही से लिया है। आपकी जुबान पर कभी इनकार का शब्द नहीं आया और आज भी नहीं आएगा। रज्जू बेटा। हाँ तुम खाना खा लो, मैं अभी आया। प्रतिमा मुझसे कुछ मांगने आई है, कहीं कोई ऐसी चीज न मांग बैठे जो मैं दे ना सकूं। मेरी सहायता करना। शायद अचार में मिर्ची ज्यादा है। लो बेटा पानी पी लो। कहो प्रतिमा खाना कैसा लगा? भगवान का प्रसाद तो हमेशा ही अच्छा होता है। हाँ अब बताओ क्या जरूरत लेकर आई हो? बॉस रानी तो अब इस दुनिया में नहीं है। प्रतिमा मुन्नी की याद दिलाकर मेरे जख्मों को हरा मत करो। मुन्नी की तबीयत भी कुछ दिनों से बिगड़ी रहती है, बुखार और खांसी पीछा ही नहीं छोड़ते। भूख प्यास तक नहीं लगती, मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता रहता है। डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, चंदर उसकी देखभाल करता है कि नहीं? खैर तुम मुझसे क्या चाहती हो? आपको याद होगा आपने शादी में हमें एक सुनहरी कबूतर भेंट किया था। हाँ? पहले मुन्ना उस कबूतर से खेला करता था। जब रानी जिंदा थी वो एक दो बार आपके आंगन में आपके असली कबूतर से खेलने के लिए मुन्ने को ले गई थी। अब मुन्ना बेहोशी में पड़ा पड़ा जिद कर रहा है, मुझे अंकल का कबूतर चाहिए, मुझे असली कबूतर चाहिए। और डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं अगर उसे असली कबूतर मिल जाए मुन्ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तूने मुझसे हर चीज बारी बारी छीन ली, सब कुछ तेरा ही दिया हुआ था। आज तक जिसने भी मुझसे मदद मांगी मैंने कर...
कभी इनकार नहीं किया, लेकिन आज प्रतिमा को इनकार करना पड़ेगा। उससे पहले मुझे इस दुनिया से उठा ले मेरे दाता। तूने मुझे एक शानदार जिंदगी दी, मौत भी शानदार दे। क्या हुआ बॉस? बॉस! बाबा, बॉस चले क्यों गए? बिटिया, तुम नहीं समझती। तुमने राजन बाबू से ऐसी चीज मांगी है जो तुम्हें किसी कीमत पर नहीं मिल सकती। लेकिन मैंने तो सिर्फ कबूतर मांगा, क्योंकि मुन्ना उसे खेलना चाहता। बिटिया, तुम नहीं जानती, जब तुम यहां आई तो राजन बाबू तुमसे खाने के लिए पूछ बैठे। वो ये नहीं जानते थे कि घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। उन्होंने मेरे कान में कहा कि बाजार जाओ और कबूतर बेचकर प्रतिमा के लिए खाना ले आओ। तीनू बाबा, वो कबूतर बिक चुका है। बिटिया, ऐसे महान आदमी की किस्मत में ये दिन देखना भी लिखा था। आज तक मैं भगवान पर विश्वास रखता रहा हूं, लेकिन बिटिया, अब मेरा भगवान से विश्वास उठ गया है, उठ गया है। क्या हुआ? भगवान का अन्याय देखो, इतने शानदार आदमी को इतने जल्दी से छीन लिया। वो इस दुनिया से चले गए। देखो प्रतिमा, मरते हुए भी इनका हाथ सीधा नहीं है, ऐसा लगता है अब भी किसी को ये कुछ दे रहे हैं। जीते जी तो बॉस ने मेरी कभी कोई मदद स्वीकार नहीं की, लेकिन इनके अंतिम संस्कार पर सारा खर्च मैं करूंगा प्रतिमा। नहीं चंदर, तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती। मेरे राजन बेटा का ये खत पढ़ लो। मुझे अपना अंत नजर आ रहा है। जिंदगी में मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा, मर के भी नहीं मांगूंगा। चांदी की थाली बेचने के बाद मेरे पास कुछ रुपए बचे थे, वो मैं छोड़े जा रहा हूं। मेरा अंतिम संस्कार सिर्फ उन्हीं रुपयों से किया जाए। इस दुनिया में किसी को भी यह अधिकार नहीं कि मेरी चिता में एक लकड़ी भी अपने पैसे से लगाए। और दूसरी मेरी इच्छा यह है कि मेरी चिता मुन्नी के पहलू में जलाई जाए। राजन। राजन,